दौड़ना है आपने, दौड़ कर गुजरे। ये अब बीबी हाजरा की ये याद में है कि जब वो वहां से गुजरती थी दौड़ती थी, तो अल्लाह ताला उनको अदा पसंद आई, तो आप भी थोड़ा वहां जाकर दौड़े। वो तो पत्थरों पर दौड़ते गई है ना, आ तो हम सभी बर पर और एयर कंडीशन लगे हुए, लाटियां लगी हैं, बस थोड़ा सा आपने वहां दौड़ना है जी। वो लिखा हुआ था यहाँ ये है, तो वहां यहाँ से दौड़ कर जाए। तो ये जी मरवा पर जाकर आपके भी जब 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे, उसके बाद जो है आपने अपने जाके बाल कटवाने, टेंट भी करा सकते हैं, टेंट करवाएं तो ज्यादा अच्छा है। अगर टेंट नहीं करवाना चाहता आदमी, तो ये जो ये है ना उंगली, इसके बराबर सारे बाल के। सर तो आप कम कम हो गया जी जी, दो नफल आपने पढ़ जी जी, अबे जमजम पिया आपने, अबे जम पी का जब आप गए सफा सही के लिए, इस दौरान किसी का वुजू टूट गया। हाँ वुजू कर ले, तवाफ के दौरान ही वुजू, नहीं मैं सही की बात कर रहा हूँ, सही के दौरान आप वुजू टूट गया, वुजू करना लाजमी है या नहीं है? बहुत दूर है, नहीं साई के लिए लाजमी नहीं है, तवाफ के लिए लाजमी है, तवाफ के लिए तो लाजमी है ना, लेकिन बगैर वुजू ना करे तो अच्छा, ठीक है। वहाँ जो है ना वो टूटियां लगी हुई है, अंदर भी हरम के अंदर भी, बाहर नहीं जाना पड़ता, तो आप वहां से पानी लेकर मुंह पर करके वुजू करके शुमार। साई के लिए जरूरी नहीं, लेकिन तवाफ के लिए, तवाफ ऐसे समझे जैसे आप नमाज पढ़ नहीं, मैं सही बात जी समझा, ठीक है। तो इसमें ये है, तो अगर सॉरी माजर चंद, अगर तवाफ के दौरान वो टूट जाए तो हां, वो जो वहां से आपको टूटा है यहां से, हां वहां से बाहर जाए वहां से करके बाहर आ गए। स्टार्ट कहां से करना है? अपने अंदर आ गए। अच्छा औरत का तवाफ शुरू से, अच्छा औरत का, आज औरत भी अगर आपके साथ हो तो औरत का एहराम जो है बाद में, औरत का जो एहराम है वो सिले हुए कपड़े है सारा कुछ, उसने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नियत करके सिर्फ उसने अपने चेहरे पर जो है ना कपड़ा नहीं लगा। उसके लिए वो कहते हैं एक टोपी मिलती है जो ऐसे छज्जे वाली है, इस पर करके अपना अपने चेहरे पर उसका कपड़े नहीं लगना चाहिए कपड़ा। आज तो नंगा भी कर लेती हैं, लेकिन बेहतर है कि वो नंगा अगर ना करे, जो कई ख्वातीन है वो उम्र पर्दा करती हैं यहाँ भी वहाँ भी, कई ख्वातीन नहीं करती, अगर वो मुँह ऐसे छोड़ देती हैं जैसे उनकी रूटीन है तो कर लें, लेकिन जो पर्दा वाली ख्वातीन है वो कैप पहन लें, कैप का ऊपर जो है वो कपड़ा लटका लें ताकि मुंह के साथ ना। एक बात और जो बड़ी ज़रूरी है, जो शराज साहब ने भी पिछली दफ़ा मुझे पूछी थी और कल मैंने खुद भी चेक भी किया, एक खातून है वो उसको हैज आ गया या पीरियड आ गया, यहाँ से आपके साथ जा रही है, अब वो यहाँ से शुरू हो गया, अभी वो 6-7 दिन उसको लगेंगे, अब वो अहराम वो कैसे बंद। अच्छा एक बात ये है कि खाना काबा के इर्द गिर्द जो है ना वो एक मीकात कायम किया गया, मीकात कहते हैं कि कोई आदमी अहराम बंधे हुए बगैर उसको क्रॉस नहीं कर सकता, जिसका उम्रे का इरादा हो या ना हो, ये सब के लिए है जी, उम्रे का इरादा हो या ना हो, बगैर अहराम के कोई मीकात से आगे नहीं जा सकता, जो जाएगा उसको एक दम पड़ गया। अच्छा एक खातून है, अब वो उसको ये पीरियड आ गए हैं, अब वो क्या करे? उसके लिए उलमा ने कहा कि वो वुजू करके वुजू वगैरह करके तो अहराम की अपना नियत कर ले जी, नियत कर ले और वो उसके बाद वो मीकात के अंदर जा सकती है, ठीक है। हरम के अंदर नहीं जा सकती, खाना काबा के अंदर नहीं जा, लेकिन मीकात को क्रॉस कर सकती है। एक दफा पिछली दफा इन्होंने ये कहा कि एक खातून हमारे साथ गई, उसने एहराम ही नहीं बांधा, एहराम यहां से बांधा ही नहीं, बगैर बांधे हुए वो चली, उसने ये समझा कि मैं पीरियड में हूं तो मैं एहराम कैसे बांधू, वो नफल नहीं पड़ेगी, क्या करेगी, नफल नहीं पड़ेगी, सिर्फ वुजू करके अपने आराम की नियत करके तलबिया पढ़ेगी, तलबिया पढ़ना मना नहीं और वाजिब है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और नियत कर लेगी कि मैं अहराम की नियत करती हूँ, और उसके बाद वो खाना का जो है ना मीकात के अंदर दाखिल हो सकती। ऐसी खातून जिसको पीरियड हो वो भी बगैर अहराम के मीकात को क्रॉस नहीं कर सकती, अगर करेगी तो उसको दम देना पड़ेगा।
ठीक है, ये एक अपनी जो ख्वातीन है उनको याद करा दें, अगर कोई इसको मसला हो भी तो वो एहराम ज़रूर बांध के जाए, यानी कि वहाँ चली जाए और कहे कि मैं तो बांध नहीं सकती, एहराम उसने बांधना है। अच्छा जी, और उसके बाद बाकी के हाँ, जब वो पाक हो जाए अब उसको जो है ना वहाँ बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, यानी कि वो मस्जिद आयशा से जाए और वहाँ एहराम बांध, नहीं अभी वो अपने होटल से एहराम बांध के तो अभी उम्रे के लिए जाए, उम्रा करे फिर बाल अपने सही करे फिर उसके बाल जो है ना वो